हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, तो आपको पता होगा कि वीडियो पर जो है थंबनेल लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर थंबनेल नहीं लगाते हैं तो आपका वीडियो पर जो है व्यू आने का जो ज़्यादा चांस नहीं रहता है। अगर आप बढ़िया थंबनेल बनाते हैं तो आपके वीडियो पर व्यू भी आएगा और सब्सक्राइब तो करवे करेगा। अच्छा थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। हम जो है इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम एडिटिंग करके जो है थंबनेल बनाएंगे और आप सबको सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी जो है इस तरह का YouTube रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पर जो है कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उस एप्लीकेशन का नाम जो है पिक्सल लैब है। ठीक है, तो आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो हम ऑलरेडी जो है इंस्टॉल करके रखे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक, जैसे ओपन कीजिएगा तो आपको जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये टेक्स्ट जो है इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे वाले आइकन पे क्लिक करके ये टेक्स्ट को जो है डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये जो है यूट्यूब थंबनेल का जो है रेगुलेशन यहाँ पे जो है आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, ये फोर्थ वाले आइकन पे क्लिक करके जो यहाँ से जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं, ये अनेकों कलर है यहाँ पे। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं कलर को, तो यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो अपना अपने मुताबिक जो है कलर भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी कलर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं। ये जो है नीचे अगर क्लिक कीजिएगा ये ग्रेंटेड पे, तो ये जो है मिक्सिंग कलर यहाँ पे आ जाता है। ठीक, यहाँ पे जो मिक्सिंग कलर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये भी रख सकते हैं। तो हम जो है सिंपल से एक कलर लेकर आपको जो है बताते हैं। तो जैसे कि ये कलर रख लिए हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, ए वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है टेक्स्ट लिखना है, मेक ऑन थंबनेल। ठीक, हाउ टू, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाउ टू मेक करके यहाँ पे जो हम लिखे हैं, इस तरह से यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर देना है। जिस तरह से आप रखना चाहते हैं उस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद क्या करना है, नीचे जो है स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ से जो है कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। जो भी आप अपने मुताबिक कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं कलर भी रख सकते हैं। और अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल कीजिएगा तो अब यहाँ पे ए बी फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ए बी फॉन्ट पे क्लिक करके जो है यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है। ठीक, अपने मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे तो उस तरह से यहाँ पे फॉन्ट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम रख लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके जो है यहाँ पे स्ट्रोक वाले आइकन पे क्लिक करके जो इसका स्ट्रोक भी आप इनेबल कर सकते हैं। जो भी कलर रखना चाहते हैं यहाँ से जो है रख सकते हैं। ठीक, ये जो है साइडो आप इनेबल कर सकते हैं। साइडो इनेबल करने से जो है इस तरह से यहाँ पे इसको इनेबल कीजिएगा, इस तरह से जो है यहाँ पे वाइट कलर रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये एडजस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कर लेना है। और यहाँ पे जो है सेव करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो है कस्टम वाले पे क्लिक करके यहाँ पे अल्ट्रा मोड में जो है यहाँ पे सेव करना है। ठीक, सेव टू गैलरी कीजिएगा, ये जो है सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जो है आप बना सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप समझ गए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से जो है हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।